तो आइए अब हम प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कैसे डिस्कवर हुए थे उसके बारे में देखते हैं। तो डाल्टन की थियोरी से हमें यह पता था कि एटम एक न्यूट्रल स्पीशीज है, और अगर एटम में नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स है उसका मतलब कुछ ना कुछ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स भी होने चाहिए, और यही बेसिस था प्रोटॉन्स की डिस्कवरी का। प्रोटॉन्स की डिस्कवरी भी हमने कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट के सेटअप से ही करी थी, लेकिन उस सेटअप में हमने थोड़ा सा मॉडिफिकेशंस करे थे। वो मॉडिफिकेशंस क्या है? यहाँ पे हमारी जो कैथोड रे ट्यूब थी उसको हमने इवैक्यूएटेड नहीं रखा, जबकि उसको हमने किसी ना किसी गैस से फिल करा। दूसरा, यहाँ पे होल हमारा कैथोड प्लेट पे था, और यहाँ पे जिंक सल्फाइड स्क्रीन हमने कैथोड के पीछे रखी थी इंस्टेड ऑफ एनोड के पीछे। तो जब इस कैथोड रे ट्यूब को हमने बैटरी से कनेक्ट करा तो ऑब्वियसली हमें कुछ ऑब्जर्वेशंस मिले। तो ये ऑब्जर्वेशंस क्या क्या है? सबसे पहले हमने ये देखा कि हमें चेंबर के अंदर यहाँ पे ग्लो देखने को मिला, जो ये इंडिकेट करता है कि हमारे पास एक चार्ज्ड पार्टिकल है। दूसरा, यहाँ पे कैलकुलेशंस के बाद जो हमारा चार्ज और मास का रेशियो आया था वो हमारी नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड कर रहा है। तीसरा, अगर यहाँ पे जो रे हमें मिल रही है जिसको हम एनोड रे बोलते हैं, ये एनोड रे को अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में लेके आता हूं तो अब ये नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट कर रही है, जो कि ये इंडिकेट करता है कि जो हमारी एनोड रे है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से बनी है। चौथा, जो हमारा मास ऑफ पार्टिकल है ये हमारा नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है। तो हमारे पास जो सबसे लाइटेस्ट पॉजिटिव आयन था हाइड्रोजन आयन, उसी को हमने एक प्रोटॉन के बराबर मान लिया। तो अब हम ये देखते हैं कि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। तो जब हमने एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट में से अल्फा पार्टिकल्स मतलब हीलियम 2+ के पार्टिकल्स, तो जब हमने एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट में से अल्फा पार्टिकल्स को बेरिलियम शीट के ऊपर बॉम्बार्ड किया तो हमें एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल गामा रेडिएशन मिला। तो ये गामा रेडिएशन जिन पार्टिकल्स को कंसिस्ट करता था उसको हमने न्यूट्रॉन बोला, और ये न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल पार्टिकल होते हैं। तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के लिए जो ये एक्सपेरिमेंट था ये जेम्स चैडविक ने करा था। तो आइए अब हम समराइज कर लेते हैं कि जो हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स है उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। इलेक्ट्रॉन का एब्सोल्यूट चार्ज क्या होता है और उसका मास क्या होता है, और इस एब्सोल्यूट चार्ज को अगर हम रिलेटिव स्केल पे देखें तो उसको हम -1 का चार्ज देते हैं। सिमिलरली प्रोटॉन का जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट होगा, और उसका मास 1.67 × 10⁻²⁷ kg है। सिमिलरली जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल पार्टिकल है तो उसका चार्ज 0 है, लेकिन उसका मास अप्रोक्सीमेटली प्रोटॉन के इक्वल है।